उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों बदला हुआ है। शुक्रवार को भी यूपी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। आज भी यूपी के मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। संभावना जताई गई है कि यूपी के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। यहां का मौसम इन दिनों ठंड का एहसास भी करा रहा है। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। इस कारण लोगों को मार्च में शुरू हुई गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए ये खबर बुरी है, क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में फसलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को भी यूपी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी यूपी के कई जनपदों में गरज के साथ बारिश देखने को मिली। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां सुबह से ही बादल छाए रहेंगे, वहीं यहां कई जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। आपको बता दें, वहीं इस दौरान धूल भरी आंधी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं गाजियाबाद के तापमान में भी शुक्रवार को बारिश देखने को मिली, इस कारण यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शनिवार के दिन पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, आगरा, अमरोहा समेत कई अन्य जिलों में बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि यूपी के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ केपीपीएन न्यूज़ में।